वेल हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आज मैं आपको DIY मेकअप रिमूवर बताने जा रही हूँ। हम जो मार्केट से मेकअप रिमूवर खरीदते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, हर कोई उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए मैं खुद अपना DIY मेकअप रिमूवर आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं किस तरह से बनाती हूँ, और बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है ये। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, आपको किस तरह से बनाना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल ले रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके घर में जो कोकोनट ऑयल अवेलेबल है वो आप ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे 7 to 8 स्पून कोकोनट ऑयल ले रही हूँ। ये हमारा मेन इंग्रेडिएंट है, आपको ये लेना है। तो आप देख सकते हो मैंने इतना ऑयल ले लिया है। उसके बाद फिर मैं इसमें कैस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो, पर आप यूज़ करोगे तो बहुत ज़्यादा बेटर है। तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच जितना कैस्टर्ड ऑयल लिया है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे जॉनसन्स बेबी का ऑयल ले रही हूँ। मैं यहाँ पे 1 चम्मच जितना जॉनसन्स बेबी का ऑयल लूँगी। ये जितने भी मैं ऑयल्स ले रही हूँ हमारी स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, हाइड्रेट करता है, मॉइस्चराइज करता है, मेकअप रिमूव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे रोज़ वाटर ले रही हूँ। मैं यहाँ पे गुलाबरी का रोज़ वाटर ले रही हूँ, आप किसी भी ब्रांड का रोज़ वाटर ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं 1 चम्मच जितना रोज़ वाटर ले रही हूँ। उसके बाद फिर मैं इसमें विटामिन ई की कैप्सूल यूज़ कर रही हूँ। मेरी नॉर्मल टू ऑयली स्किन है इसलिए मैं 1 कैप्सूल यूज़ कर रही हूँ। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप इसमें 3 to 4 कैप्सूल यूज़ कर सकते हो। कैप्सूल के अंदर जो ऑयल था उसे मैंने निकाल लिया है, तो मैंने भी 1 ही कैप्सूल यूज़ की है। उसके बाद फिर हम इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मेरा खुद का DIY मेकअप रिमूवर है, मैं हर टाइम यही यूज़ करती हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने कुछ इस तरह से बनाया है। अब मैं यहाँ पे कोई भी अच्छा फेस वॉश यूज़ कर लूँगी। जो मैं अपनी स्किन के लिए यूज़ करती हूँ वही मैं फेस वॉश ले रही हूँ। उसके बाद फिर मैं इसमें थोड़ा सा और कोकोनट ऑयल ऐड कर रही हूँ, मुझे रिक्वायर्ड लगे इसलिए मैंने थोड़ा सा और ऐड कर लिया। उसके बाद फिर मैंने इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद कुछ इस तरह से बनाया। तो आप देख सकते हो फाइनल मेरा मेकअप रिमूवर रेडी है। अब मैं एक खाली सा कंटेनर ले लूँगी, आप देख सकते हो वीडियो में। ये मेरे पास एक खाली बॉटल थी जो मुझे यूज़ में नहीं आ रही थी। बॉटल को मैंने बहुत ही अच्छे से वॉश कर लिया। उसके बाद फिर मैंने अपना मेकअप रिमूवर जो मैंने लिक्विड बनाया था वो मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर लिया। आप देख सकते हो जब भी आप यूज़ करो अच्छे से शेक करो। ये मेकअप रिमूवर आप 1 महीना 2 महीना अच्छे से चला सकते हो। आप फ्रीज में भी रख सकते हो, बाहर भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे मैट लिक्विड लिपस्टिक ले रही हूँ, आप देख सकते हो। एक बुलेट लिपस्टिक ले रही हूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे एक और लिपस्टिक ले रही हूँ। मैंने यहाँ पे एक न्यूड कलर का लिपस्टिक लिया है, ये मैट है। और उसके बाद फिर मैंने एक और लिपस्टिक लिया। मैंने टोटली 4 लिपस्टिक ली है, उसमें से एक लिक्विड लिपस्टिक है और 3 बुलेट लिपस्टिक जो स्टार्टिंग में वो मैट नहीं है, बाकी सारी मैट है। तो आप देख सकते हो मैंने नहीं, मैं भी मैंने आपको वॉश करके दिखा लूँ, ये इजिली रिमूव नहीं हो रहा है। तो मैं यहाँ पे मेकअप रिमूवर ले रही हूँ जो मैंने खुद अपना घर पर बनाया है। मैं यहाँ पे 4 to 5 ड्रॉप्स ले लूँगी। जब भी आप यूज़ करो बहुत ही अच्छे से शेक करो। उसके बाद फिर अपने जो लिपस्टिक लगाई है उस पर आपको कुछ इस तरह से 1 स्वैप में निकलता है, तो कुछ इस तरह से निकलेगा 1 स्वैप में। आपने अपने फेस पे फाउंडेशन, मस्कारा, काजल कुछ भी लगाया है, ये 1 स्वैप में निकल जाएगा। बहुत ही अच्छे से आपके मेकअप को रिमूव करता है, आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, मॉइस्चराइज करता है। ये केमिकल फ्री है, ये केमिकल फ्री DIY मेकअप रिमूवर है। मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, मैं हर टाइम इसे यूज़ करती हूँ। और था मेरा DIY मेकअप रिमूवर, अपना खुद का DIY मेकअप रिमूवर आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो आप देख सकते हो फाइनली मैंने अपना मेकअप रिमूव कर लिया है। अब मैं अपना हाथ वॉश करके आपको दिखा रही हूँ। तो मैंने अपना हाथ वॉश कर लिया। जब भी आप ये मेकअप रिमूव करो आप अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लो, उसके बाद अपने फेस पे आइस रब कर लो। उसके बाद जो भी आपका स्किन केयर रूटीन है वो आप उसे फॉलो करो। अगर आप मेरा स्किन केयर रूटीन जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट करो, मैं उसका भी वीडियो बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। अगर आप मेरी अनदर वीडियो देखना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आई कार्ड पे मेंशन किया, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।